नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। रीवा जिले में कांग्रेस ही महंगाई के मुद्दे को लेकर पब्लिक के बीच जाने वाले हैं। इस पर विराट 24 न्यूज की देखिए एक खास रिपोर्ट। एक देसी कहावत है, दूल्हा को पत्तल नहीं बजनिए को थाल। कुछ ऐसा ही हाल रीवा जिले के तमाम कांग्रेसियों का है। रीवा की आठ विधानसभा तो ये जीत नहीं सके। खैर, फिर भी प्रदेश में जोर जुगाड़ से सरकार तो बनी, लेकिन कांग्रेसी मालिक बाबर राहुल अंदर का झगड़ा संभाल ही नहीं सके और ज्योतिरादित्य रिसाई बहुरिया की तरह बीजेपी में चले गए। कांग्रेस सत्ता से धड़ाम से गिर गई। खैर, रीवा के कांग्रेसी लंबरदारों की बात करते हैं, जिनके मध्य जनता होती तो क्या होता ये भगवान ही जाने। आपको बता दें कि जिले के तमाम कांग्रेसी नेता महंगाई को लेकर सड़कों पर उतरेंगे, जनता के पास महंगाई के मुद्दे को लेकर जाएंगे, लेकिन ये कौन सा मुंह लेकर पब्लिक से रूबरू होंगे ये बड़ा सवाल है। खैर, फिर भी सावन के इनंधों को सब कुछ हरा ही दिखाई दे रहा है, लेकिन कब तक कांग्रेस का एक बड़ा नेता भी रीवा के दौरे पर आ जाए? मजाल है कि कोई कांड ना हो, तब आपस में ही गिद्ध बन जाने में भी इन्हें कोई शर्म नहीं आती। उधर मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना जनता के बीच महंगाई के मुद्दे समेत कई और मुद्दे लेकर जाने वाले हैं। सालों से मऊगंज को जिला बनाने की रट लगाते आए इन साहब को 15 महीने सरकार रही, तब इनकी याददाश्त बिल्कुल कमजोर हो गई। जिले की आठों विधानसभाओं में एक्टिव कांग्रेसियों के पास आंदोलन या धरना करने के सिवा कुछ बचा भी तो नहीं है। कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गजों का भी यही हाल है, सबके सब वेले बैठे हैं। अच्छी खासी सरकार को गंवाने का गम भी है और उपचुनाव में 3 सीट हार कर सतना की रहगांव सीट जीतने की अमारक खुशी भी। खैर, एक बात है, रहगांव में सारे कांग्रेसी इकट्ठा होकर एक रंग में नजर आए तो जीत मिली। अगर ऐसे ही सारे कांग्रेसी एकजुट हो जाए तो जिले में एकाध पंजे की जीत तो हो ही सकती है। पदयात्रा का उद्देश्य इस समय जो देश में पूरी तरह से महंगाई, आपकी बेरोजगारी और देश की आर्थिक स्थिति जो चरमराई हुई है, इन सब मुद्दों को लेकर के देश में जो जनता को जगाने के लिए ये कार्यक्रम राष्ट्रव्यापी हमारे देश के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी उनके निर्देशन में पूरे देश में ये कार्यक्रम पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मसदी के अवसर पर यह कार्यक्रम रखा गया। इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार।